नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जिस परीक्षा का छात्रों को शिद्दत से इंतजार रहता है, जिसके लिए छात्र कड़ी मेहनत करते हैं, आखिर उसी परीक्षा का विरोध क्यों हो रहा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीट और जेईई एग्ज़ाम का, जिसके परीक्षा के खिलाफ विरोध बढ़ता ही जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, लेकिन वहां से भी परीक्षा को हरी झंडी मिल गई है। परीक्षा में अब 10 दिन से भी कम समय बचा है, लेकिन कुछ छात्र संगठनों के साथ अब राजनीतिक दल और बॉलीवुड हस्ती भी इसके विरोध में उतर आए हैं। वो परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल देश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कई छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की 3 जुलाई 2020 को जारी किए गए उस नोटिस को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें जेईई मेंस और नीट की प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित कराने संबंधी शेड्यूल जारी किया गया था। इन छात्रों का कहना था कि कोरोना संक्रमण से स्थिति सामान्य होने के बाद ही इन परीक्षाओं को आयोजित किया जाना चाहिए। ये याचिका 6 अगस्त को दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण देश में सब कुछ नहीं रोका जा सकता है। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए और बच्चों के एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद होने दिया जाए। इन दोनों परीक्षाओं को कराने वाली एनटीए का इस पर बयान आया कि यदि इस साल परीक्षा स्थगित होती है तो ये अगले साल के शैक्षणिक कैलेंडर को प्रभावित करेगा। आखिरकार उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन खड़ा किया। ये आंदोलन देखते ही देखते बड़ा होने लगा। मीडिया में ये मुद्दा आने के बाद इससे राजनीतिक दल भी जुड़ने लगे। इसके खिलाफ लगभग पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। कई नेताओं ने इस बाबत पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है। हालांकि इसके बावजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने साफ कर दिया कि किसी भी सूरत में परीक्षा को और नहीं टाला जा सकता है। जेईई मेन परीक्षा का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। संभावना है कि नीट 2020 परीक्षा का एडमिट कार्ड भी इसी हफ्ते रिलीज हो जाएगा। एनटीए ने एडमिट कार्ड रिलीज होने के साथ ही ये भी कहा है कि तकरीबन 99% कैंडिडेट्स को उनका चुना हुआ टेस्ट सेंटर दिया गया है। यही नहीं, परीक्षा के दौरान सभी सेफ्टी मेजर्स भी फॉलो किए जाएंगे। बता दें कि जेईई परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को कराई जाएगी। इस साल जेईई मुख्य परीक्षा के लिए 9,53,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जबकि नीट के लिए 15,97,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।